हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर बड़ी अपडेट आनी शुरू हो गई है, नए नए ऑप्शन चालू होने शुरू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर जो नई अपडेट आई है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी कि उस ऑप्शन से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फसल हरियाणा, आपको फसल हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने मेरी फसल मेरा बेरा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, fasal.haryana.gov.in। इसी वेबसाइट के ब्लू लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप मेरी फसल मेरा बेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको थ्री डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब किसान भाइयों यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड का, दूसरा जो ऑप्शन है वो है फार्मर सर्च का, तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऑफिसर लॉगिन का। अब दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनका अलग अलग काम है। तो चलिए किसान भाइयों सबसे पहले डैशबोर्ड की ही बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों अब आप हर सीजन का कंप्लीट रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे कि इस सीजन में कितने किसानों ने अपनी फसल को ऑनलाइन पंजीकृत किया है, कितनी शिकायतें लगी हुई हैं, कितनी शिकायतें पास हो चुकी हैं, कितना एरिया रजिस्टर्ड हो चुका है, कितना एरिया जो रजिस्टर है उसमें कितने किसानों का नाम मैच हुआ है जमीन के साथ, कितने किसानों का नहीं हुआ है, मिसमैच जो वेरिफिकेशन है वो कितनी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट जो रिकॉर्ड है यहां से अब आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों आपके सामने सबसे पहले आप देख सकते हैं रवि सीजन, यानी रवि 2023 का जो सीजन है फिलहाल चल रहा है और दोस्तों उसका जो रिकॉर्ड है यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों खरीफ 2023 का जो सीजन है उसका भी रिकॉर्ड यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब किसान भाइयों चलिए हम रवि 2023 वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देते हैं। किसान भाइयों यहां पर जो आपके सामने अब तीन ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, तीनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। किसान भाइयों सबसे पहला जो यहां पर ऑप्शन है एरिया वाइज डिटेल्स, इसके अंदर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एरिया वाइज जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि टोटल विलेजेस कितने हैं, उसमें कल्टिवेटेड एरिया कितना है, कितना रजिस्टर हो चुका है, कितने किसानों ने कर लिया है, आज कितना किया है, मिसमैच एरिया कितना है, मिसमैच एरिया वेरीफाई कितना हो चुका है, कंप्लीट पेंडिंग रिकॉर्ड और वेरीफाइड रिकॉर्ड यहां पर आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। अब किसान भाई दूसरा जो ऑप्शन है यह है ग्रीवेंस डिटेल, इस ऑप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टोटल कितने शिकायतें अब तक लग चुकी हैं, कितनी शिकायतें पेंडिंग है, कितनी सॉल्व हो चुकी हैं, टोटल जो रिकॉर्ड है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा शिकायतों का। यानी कि किसान भाइयों जब आपकी जमीन को कोई अन्य किसान पंजीकृत कर लेता है और उसकी आप शिकायत लगाते हैं वो डेटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इतनी शिकायतें टोटल पेंडिंग है। अगर आप गांव के अनुसार देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गांव के अनुसार भी क्लिक करके देख सकते हैं। पहले आपको अपने जिला को चूज करना होगा, फिर तहसील को, फिर अपने गांव को, कंप्लीट रिकॉर्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब किसान भाइयों तीसरा जो ऑप्शन है वो है ओनरशिप वाइज डिटेल, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने टोटल ओनर्स किसान है, यानी कि जिसकी खुद की जमीन है, जिसने ठेके पर ली है, कल्टीवेटर किसान का रिकॉर्ड यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अदर जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पारिवारिक संबंध दिखाकर ऑनलाइन कर रखी है, इस प्रकार के जो रिकॉर्ड हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर किसान भाइयों आपको नेम मैच्ड एरिया दिखेगा कि यानी इन किसानों का नाम जमीन के साथ मैच हो चुका है, यानी फैमिली आईडी में भी यही नाम है और इनका जमीन में भी यही नाम है, मैच हो चुका है। और यहां पर नेम नोट मैच्ड एरिया यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी जो फैमिली आईडी नंबर आपने दिया है उसमें जो नाम है और जमीन में नाम है वो मैच नहीं हो रहा, वो एरिया यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं गांव के अनुसार तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। किसान भाइयों कंप्लीट रिकॉर्ड आप जिले वाइज देख सकते हैं, गांव वाइज देख सकते हैं,
तहसील वाइज देख सकते हैं, क्रॉप वाइज भी आप डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस डैशबोर्ड पर आपको कंप्लीट रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा पूरे हरियाणा का कि कितनी जमीन है, कितनी रजिस्टर हो चुकी है, कितने किसानों ने की है, कितने किसान वेरीफाइड हैं, यानी कितने किसानों का डेटा मैच हो चुका है, नाम मैच हो चुका है जमीन के साथ, कितने किसानों का नहीं हुआ है, कितने किसान ओनर हैं, कितने किसान कल्टिवेटर हैं या कितने अदर हैं, कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो इस डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिलेगा। और डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है वो चालू हो चुका है, यह जो ऑप्शन है कुछ दिन में पूरी तरह से सही प्रकार से चालू हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है फार्मर सर्च का, वो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों यह ऑप्शन भी जल्द से जल्द काम करने लग जाएगा। इस ऑप्शन के माध्यम से आप कंप्लीट रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे जो पहले आपको किसान अनुभाग में दिया जाता था। मेरे अनुसार दोस्तों इसके अंदर वही सारे ऑप्शन ऐड किए जाएंगे। अब किसान भैया तीसरा जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यह है ऑफिसर लॉगिन का। यह ऑप्शन भी अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जल्द एक्टिव होगा। इसके अंदर दोस्तों सभी जितने भी अधिकारी हैं कृषि से संबंधित, वह यहां से अपनी आईडी को लॉगिन करके किसानों का डेटा वेरीफाई कर पाएंगे, फसल वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट कर पाएंगे, संपूर्ण रिकॉर्ड को जचा पाएंगे। तो दोस्तों यहां से जितने भी अधिकारी हैं, चाहे डीसी हो, एसडीएम हो, पटवारी हो, सभी यहां से लॉगिन अपनी आईडी को कर पाएंगे। यहां पर भी जल्द से जल्द इस ऑप्शन को भी एक्टिव किया जाएगा। तो दोस्तों अनेक प्रकार के जो अपडेट हैं वो पोर्टल पर चल रही हैं। अगर आपको अपनी फसल को ऑनलाइन पंजीकरण करना है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप कर सकते हैं, क्लिक हियर पर क्लिक करके। जल्द से जल्द आपको वीडियो देखने को चैनल पर मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी फसल को पंजीकृत कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी फसल ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों इस पोर्टल पर अभी बहुत सी कमियां हैं जिसको डिपार्टमेंट सुधार रहा है। जल्द से जल्द वह कमियां दूर होंगी, फिर दोस्तों आप पूरे पोर्टल का लाभ ले पाएंगे और सभी प्रकार के जो ऑप्शन है वो आपके लिए कुछ टाइम बाद उपलब्ध हो जाएंगे जैसे ही डिपार्टमेंट इन कमियों को दूर करता है। दोस्तों जल्द से जल्द फसल पंजीकरण में जो समस्या आ रही है वह भी दूर हो जाएगी और आप अपनी फसल को मेरी फसल मेरा मेरा पोर्टल पर पंजीकृत कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई भी कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।